आज हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू हमारा जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को रन करता है वो मेन मेमोरी से एक्सेस करता है, या ये कह सकते हैं सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो मेन मेमोरी को एक्सेस करके वहाँ से डेटा इंस्ट्रक्शंस लाता है और सीपीयू के अंदर रजिस्टर में वो पहुँचते हैं डेटा इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद उनका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म होके वो एग्जीक्यूट होके फिर वापस मेन मेमोरी में पहुँचते हैं। तो जो ये प्रोसेस है कि सीपीयू को रैम, मतलब सीपीयू को रैम से एक्सेस करना या रोम से एक्सेस करना, ये इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। रीजन ये है कि सीपीयू और रैम की स्पीड में करीब 100 टाइम्स का डिफरेंस है। रैम इज 100 टाइम्स स्लोअर देन द सीपीयू। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म डिजाइनर ने परफॉर्म की है सो दैट कि जो इनका स्पीड मिसमैच है सीपीयू और रैम का वो रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह की मैकेनिज्म अगर प्रोवाइड की जाए कि डेटा कुछ ज्यादा रेट से सीपीयू को अवेलेबल हो सके, तो दैट मींस कि प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम विल बी फास्टर। तो इस मैकेनिज्म को कि बीच में एक फास्ट मेमोरी को प्लेस करने करना, ये हमारा आज का डिस्कशन है। और जो ये फास्ट मेमोरी है सीपीयू और रैम के बीच की, इसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। बिकॉज के कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इफेक्ट होता है अगर मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच स्पीड डिफरेंस है, जो कि जनरली केस है ही। तो जो बहुत ओल्डर सिस्टम थे उसमें कैश मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था, फिर कैश मेमोरी का कंसेप्ट आ गया, तो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स बिकम्स फास्टर सिंस ए लॉन्ग टाइम। सो मॉडर्न कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर यूजेस द कैश मेमोरी कंसेप्ट। तो एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर, व्हाट एवर टाइप इट इज नाउ डेज, इट यूज द कंसेप्ट ऑफ कैश मेमोरी। ओके, तो ये पॉइंट्स पढ़ लो, ये वैसे मैं एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने कि कैश मतलब रैम से जो सीपीयू डेटा और इंस्ट्रक्शंस लाता है, जो डेटा लाता है वो ओवर द मदरबोर्ड बस के थ्रू आते हैं। तो ऑब्वियसली कि इट स्लोज डाउन द स्पीड। तो कैश मेमोरी को पुट करने से स्पीड डिस्पैरिटी काफी कम हो जाती है। तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है कि कैश मेमोरी इज पुट बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी सो दैट ईच एंड एवरी यूनिट विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसमें ये इस डायग्राम से ये लग रहा है कि सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द मेन मेमोरी, बट दिस कनेक्शन सिंपली सेज कि कैश मेमोरी में भी है सीपीयू से, और डायरेक्टली सीपीयू मेन मेमोरी को भी रीड कर सकता है व्हेन एवर इट इज नीडेड, और डायरेक्टली मेन मेमोरी से सीपीयू को डेटा भी सेंड किए जा सकते हैं बाय द मेन मेमोरी व्हेन एवर दे आर नीडेड। ओके, तो जो रैम रोम है दे आर बेसिकली द सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये मैं वैसे तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि कैश मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो बाय पुटिंग द फास्टर मेमोरी नेम्ड एज कैश बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, तो एक बार मैं नेट कनेक्शन देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, आई थिंक साउंड एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। तो कैश ऑब्वियसली के ये रैम और सीपीयू के बीच प्लेस की जाती है, जो कि रैम और सीपीयू का स्पीड डिफरेंस है उसको मिसमैच करने के लिए। तो कैश को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा लार्ज बफर है मेन मेमोरी के लिए।
क्योंकि ये ब्लॉक्स को, डेटा ब्लॉक्स को कैश करता है, कैश मींस के बफरिंग, के वहां से उठाया और सीपीयू को पहुंचाया, सीपीयू से लिया तो उसमें आ गया, फिर रैम में पहुंचेगा। तो इस तरह का जो प्लेसमेंट है, दैट इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज द कैशिंग और बफरिंग। तो दीज आर द कैश मेमोरी फीचर्स, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड देम आउट। कैश मेमोरी फीचर्स, कैश मेमोरी इज स्मॉलर, वेरी फास्ट इन स्पीड, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, कॉस्टली होती है और एक्सेस स्पीड हाई होती है। और जब एक्सेस स्पीड हाई होगी तो ऑब्वियसली एक्सेस टाइम विल बी लेस, बिकॉज स्पीड एंड एक्सेस टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और स्पीड डिफरेंस इस तरह होता है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं जनरल कैश मेमोरी की, ठीक है, फिर लेटर ऑन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी आर अवेलेबल नाउअडेज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, डिफरेंट लेवल्स। तो नाउ द मैकेनिज्म बिकम्स लाइक दिस वे कि सीपीयू इज 10 टाइम्स फास्टर देन द कैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी इज 10 टाइम्स फास्टर देन द रैम, ठीक है। मतलब जो सीपीयू और रैम के बीच 1:100 वाला कंसेप्ट था, नाउ इट बिकम्स 10-10 रूल, नॉट 20-20 बट 10-10 रूल। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रीड आउट दीज पॉइंट्स। ये क्या है कि मेन मेमोरी की कंपैरिजन में सीपीयू के ज्यादा करीब होती है, और जो मेन मेमोरी से सीपीयू वाले कनेक्शंस हैं कि सिस्टम बसेस, उसका इसमें यूज नहीं होता। कैश मेमोरी एंड सीपीयू आर इंटरकनेक्टेड बाय देयर ओन सेपरेट बसेस टू इंक्रीज द स्पीड। तो ये जो है सीपीयू को रैपिड स्पीड से, हायर स्पीड से डेटा प्रोवाइड करने के लिए काम में आती है। तो जो रिसेंटली नीडेड इंफॉर्मेशन है दैट इज अवेलेबल इनसाइड द कैश मेमोरी एंड सीपीयू विल रीड देम इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि इसे रैम में डेटा मिल जाए, ओके, लेटर वी विल सी के व्हाट आर द सिचुएशंस, ओके, बट इनिशियली लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कैश मेमोरी कंप्लीटली सो दैट यू विल बी अवेयर विद द कैश मेमोरी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो कैश मेमोरी प्रोग्रामर और यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। दैट मींस कि यूजर एंड प्रोग्रामर कैन नॉट सी द कैश मेमोरी, कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ कैश मेमोरी। हमें तो ये लगेगा कि सीपीयू फास्ट वे में हमारा काम कर रहा है और मेन मेमोरी, मतलब एवरीथिंग विल लुक अस इन द फॉर्म ऑफ स्पीड। काम हमारा कंप्यूटर पे जितने आसानी से हो जाएगा, हमें यही लगेगा कि कंप्यूटर यानी सीपीयू हमारा फास्ट है। तो आज के टाइम में जो भी कंप्यूटर हैं, वो सब अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पर कैश मेमोरी यूज करते हैं। तो कैश हमारा क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज की तरह वर्क करता है। सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच अगर मेन मेमोरी से कंटेंट्स रीड हो रहे हैं तो, या फिर प्रोसेसर ने कुछ एग्जीक्यूशन किया उसको मेन मेमोरी में भेज रहा है, तो भी वो कैश के थ्रू परफॉर्म होगा। एक्सेस टू मेन मेमोरी एंड कैश बाय द सीपीयू। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो तो म्यूट कर लो, इन पॉइंट्स को रीड कर लो। जब प्रोसेसर को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले तो ये कैश मेमोरी में चेक करेगा ना कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो अगर ये कैश मेमोरी में अवेलेबल है तो ठीक है, रीड कर लेगा,
और अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो फिर ऑब्वियसली के मेन मेमोरी में ही जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हर एक डेटा जो सीपीयू को रिक्वायर्ड है वो कैश मेमोरी में मिल जाए। इट इज सिंपली अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द डेटा। इसको ऐसे मानो कि जैसे तुम्हारी एक बुक शेल्फ है और दूसरी टेबल है, तो अगर तुम बार बार अपनी अलमारी से बुक पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे लाओगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जो तुम्हारी फ्रीक्वेंटली रीडिंग की बुक है उनको टेबल पे रख लोगे अपने स्टडी टेबल पे और वो तुम्हें इजीली मिल जाए। लेकिन अगर तुम कोई भी बुक सोचो कि बुक सेल्फ से और टेबल पर मिल जाए तो वो जरूरी नहीं है। तो अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलेगा, इट विल ब्रिंग इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब हम आते हैं कैशिंग ऑपरेशन। तो कैशिंग क्या है, एक तरह से नया इसमें कुछ नहीं है, ये इस तरह की मैकेनिज्म है या एक तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में, कि डेटा हमारा जो मतलब सीपीयू को जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डिफरेंट लेवल्स पर अवेलेबल हो, यानी जो डेटा यूज हो रहा है वो फास्टर स्लोवर स्टोरेज से फास्टर स्टोरेज में डेटा अवेलेबल होना, दिस इज ए कैशिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ड डिस्क में डेटा है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल हो जाना हर समय, मेन मेमोरी में है वो कैश में अवेलेबल हो जाना, कैश में है वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर अवेलेबल होना। सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम स्लोअर मेमोरी टू हायर मेमोरी एट डिफरेंट लेवल्स, दिस इज कॉल्ड एज द कैशिंग ऑपरेशन। तो इस तरह जो कैशिंग ऑपरेशन होगा डिफरेंट लेवल्स पर, जो डिफरेंट मेमोरीज हैं, स्लोअर मेमोरी अगर फास्टर मेमोरी को डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड करती रहेगी या मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जहां भी ये पॉसिबल होगा डेटा अवेलेबल हो जाए, तो इट विल बी द बेटर प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द सीपीयू। तो वही सिंपल इसमें दिखाया है मैंने, ये हमारा इसको ये मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ठीक है, इसको ये कैशिंग ऑपरेशन एक सिंपल तरीके से वी कैन शो इट। और यहाँ पर ये है, ये मेन मेमोरी हो गई, इसमें डायग्राम में थोड़ा वो एग्जैक्ट बन नहीं पाया, मेन मेमोरी है, ये कैश है, ठीक है, इसको ओके, और ये है सीपीयू रजिस्टर। तो ठीक है, इसको ऐसे समझ लो थोड़ा वो लिखने में मिसमैच हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेन मेमोरी पे आ गए हैं और ये कैश है, ये ब्लॉक के अंदर नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, डजंट मैटर कि ब्लॉक के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की जो मैकेनिज्म है कि मैग्नेटिक डिस्क से यानी हार्ड डिस्क, ओके, उससे अगर हम ये ठीक है, तो कैशिंग ऑपरेशन इस तरह हो गया कि मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा अवेलेबल होगा, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, कैश से सीपीयू रजिस्टर में। अगर ये एडवांस में अवेलेबल होता है so this will be referred as a caching operation, okay। So caching and storage hierarchy level, जो अभी मैंने बताया कि different
स्टोरेज हायरकी लेवल पर, अगर साइमल्टेनियसली हमारा एक से ज्यादा लेवल पर डेटा कंसिस्टेंट हो, मीनिंग ये है कि जो हार्ड डिस्क से आ रहा है वो रैम में, रैम से कैश में, कैश से सीपीयू में, अगर ये कंसिस्टेंट होता है डेटा, तो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट भी है, सो दिस ऑपरेशन इज द कैशिंग ऑपरेशन। तो अगर ये हम इस अपने कंसेप्ट को एक्सटेंड करें, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे रजिस्टर हैं वो ये हाई स्पीड कैश है, वो कैश मेमोरी के लिए, कैश मेमोरी ये कैशिंग ऑपरेशन है फॉर मेन के लिए, मेन मेमोरी कैश है फॉर हार्ड डिस्क के लिए, एंड हार्ड डिस्क फॉर टर्शियरी मेमोरी। तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो कैशिंग ऑपरेशन का जो पर्पज है वो इसलिए है कि सीपीयू हमारा मेन मेमोरी से डेटा फास्टर मेमोरी कर सकता है एज कंपेयर टू द नेटवर्क कनेक्शन। तो इस सब पर्पज के लिए लोकल कॉपी जो डेटा की है वो कन्वीनियंस के लिए वो फास्टर मेमोरी में सीपीयू रखने की कोशिश करता है, मतलब कंप्यूटिंग सिस्टम, सो दैट इट विल बी अवेलेबल टू सीपीयू फ्रॉम द फास्टर मेमोरी, कैश मेमोरी में एज पॉसिबल हो या फिर रैम में। ठीक है, तो कैशिंग का कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इट रिफर्स फॉर द सेम थिंग। तो मेन मेमोरी एज ए कैश फॉर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी फॉर टर्शियरी मेमोरी एक्सेट्रा। लोडिंग ऑफ ओएस इनटू रैम, जानते ही हो कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं इनिशियली, तब सारे कंटेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो फ्रीक्वेंटली नीडेड है कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग के लिए, वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में कॉपी हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इंस्टॉल्ड कॉपी, इज कॉल्ड एज द बूटिंग प्रोसेस। तो एक बार ओएस लोड हो जाता है, ओएस की जो रिक्वायर्ड फाइल है वो लोड हो गई अगर मेन मेमोरी में हार्ड डिस्क से, तो देन आवर कंप्यूटर इज रेडी फॉर वर्किंग। और जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास जो हम फाइल ओपन करते हैं वो फाइल कैश में कॉपी होती जाती है अकॉर्डिंग टू अवर ऑपरेशन, या सिस्टम के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली नीडेड फाइल है दे विल बी अवेलेबल इनसाइड द कैश। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम कोई फाइल इनिशियली ओपन करो, जैसे तुम कोई इमेज पड़ी है तुम्हारे सिस्टम पर, तुम उसको ओपन करो एक बार, तो फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो ये कुछ 3-4 सेकेंड तक का टाइम ले सकता है, जरूरी नहीं तुरंत ओपन हो जाए। या फिर कोई वर्ड फाइल ओपन करो पावर पॉइंट, अब उसको क्लोज कर दो तुम, फिर उसको दोबारा ओपन करो, तो ये तुरंत ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये जो जब तुमने ओपन किया तो ये हार्ड डिस्क से रैम में आया और रैम से फिर कैश मेमोरी में आया फर्स्ट टाइम, अब तुमने क्लोज कर दिया तो वो रैम में और कैश मेमोरी में अवेलेबल है, जो स्टोरेज पे पड़ा था तो कैश मेमोरी में अवेलेबल है ना वो, तो तुमने दोबारा ओपन किया इट विल बी ओपन सडनली, क्योंकि अब सीपीयू को वही से मिल गया वो, कोई भी इंस्ट्रक्शन डेटा प्रोग्राम्स इट विल बी अवेलेबल सडनली वंस यू हैव यूज्ड इट। या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि ये फाइल फ्रीक्वेंटली नीडेड है, और कैश मेमोरी की साइज पे भी डिपेंड करता है, तो अभी उसमें कैश मेमोरी में हमें काफी कुछ पढ़ना है, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और उसका डिजाइन प्रिंसिपल्स, और तो अभी तो हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द कैश मेमोरी। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है हिट एंड मिस। तो सीपीयू ने डेटा के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी, सीपीयू सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर द डेटा फॉर इट्स रीडिंग और राइटिंग,
तो अगर ये डेटा हमारा कैश मेमोरी में मिल जाता है, इफ डेटा इज अवेलेबल इन कैश मेमोरी रिक्वेस्टेड बाय द सीपीयू, तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कैश हिट। और अगर डेटा नहीं मिलता है, सपोज डेटा जो सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया वो कैश मेमोरी में नहीं मिला, तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एट द कैश मिस। अब इस केस में क्या होगा कि अगर डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिला तो रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू द लोअर लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की, मतलब मेन मेमोरी की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। मतलब कि तो इस केस को हम बोलते हैं कैश मिस। सीपीयू ने डेटा रिक्वेस्ट किया वो अगर कैश मेमोरी में मिल गया इट इज कैश हिट, इफ डेटा नहीं मिला तो इट इज कैश मिस, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की की तरफ ले जाएगा मतलब सीपीयू रिक्वेस्ट को। ओके तो हिट और मिस तो मैंने बता दिया है। अब इसमें ये कैश हिट ये पढ़ लो इसको, यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। तो अगर कैश हिट ऑपरेशन है, डेटा मिल गया तो वो सीपीयू को अवेलेबल हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर वो मेन मेमोरी के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और वहां से डेटा अब हमारा सीपीयू और कैश के पास दोनों के पास आएगा। तो जब रिक्वेस्ट जाती है सीपीयू की कैश मेमोरी के पास डेटा के लिए, तो ये कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि वो ब्लॉक ऑफ डेटा इज अवेलेबल इनसाइड द कैश या नहीं है। तो अगर कैश में मिल गया तो वहां से लोड हो जाएगा वो सीपीयू रजिस्टर में, और अगर नहीं मिला तो ये कैश मिस जो ऑपरेशन है कि अब ये रैम से डेटा आएगा सीपीयू के पास और उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में भी आएगी। रैम से सीपीयू डेटा रीड करेगा और जो डेटा रीड करेगा उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में भी आएगी, इस कंसेप्ट के साथ कि अब फिर आगे उसकी जरूरत पड़ सकती है सीपीयू को। ठीक है, तो कैश रीड ऑपरेशन तो इस केस में क्या है कि जो हमारा बेसिकली जो एक चीज नहीं बताई मैंने कि जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि जो कैश और सीपीयू का कम्युनिकेशन है वो सिस्टम बसेस के थ्रू नहीं है, उसकी अपनी अलग सेपरेट इंटरकनेक्शन है सीपीयू और कैश का, सो दैट कि ये बाकी जो पाथ है उससे इफेक्टेड ना हो सीपीयू की स्पीड। तो इसको हम बोलते हैं कैश कंट्रोलर, जिसके थ्रू कैश और सीपीयू का कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें एक लास्ट स्लाइड है जो एक एल्गोरिथम है, एक तरह से सिंपल एल्गोरिथम है कि स्टार्ट किया हमने। अब सीपीयू क्या है कि जो एड्रेस जनरेट करता है, लास्ट ईयर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि दैट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। तो अब जो ब्लॉक है या रियल एड्रेस, तो ब्लॉक है रियल एड्रेस वाला अगर कैश मेमोरी में है यस, तो ये सीपीयू को डिलीवर हो जाएगा, डन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा और कैश को भी वो एलोकेट करेगा। तो मेन मेमोरी से वो ब्लॉक कैश मेमोरी में आएगा और वो सीपीयू को भी आएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ओके, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन टू कैश मेमोरी।
नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो अपना होगा कैश मेमोरी डिजाइन एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर वर्सेस परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स एंड हाउ द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द कैश मेमोरी. तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अराउंड 3 PM टुडे. तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ही और सी कैन आस्क. Otherwise, I am closing the meeting.